हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर, दानवीर कर्म की भूमि, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विरासत, दिनकर की कर्म भूमि, सिल्क की मुलायमपन, कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम की खुशबू के साथ अंग प्रदेश भागलपुर की धरती से अंगिका भाषा में अपने सबका प्रणाम करे छे। सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल और हमारे प्रतिभागी साथियों, इस देश की महानता को शब्दों में समेट पाना संभव नहीं है। सम्राटों में यह अशोक है तो शिक्षा के केंद्र में नालंदा और विक्रमशिला, पवित्रता में यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है तो स्वाधीनता संग्राम में गांधी का संघर्ष, कभी यहाँ की मिट्टी में कबीर और तुलसी का साहित्य दिखता है तो कभी विवेकानंद का दर्शन, सामाजिक न्याय में यह अम्बेडकर का विचार है तो अनेकता में पटेल का एकता का सूत्र, तकनीक और विकास में यह कलाम का आविष्कार है तो वहीं पर बलिदानों में सुभाष चंद्र बोस की खून से बलिदान। अब मैं विषय की प्रमाणिकता पर आता हूं। दसवीं की एनसीईआरटी की किताब को उल्टा कर आप देखते हैं तो पता चलता है कि समृद्ध आय और आधारभूत संरचना से मजबूत देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। अब मेरे पास एक विकसित देश 2047 तक भारत कैसे होगा, इसके लिए क्या तर्क है, क्या कसौटी है, उन कसौटियों पर हम भारत को कसकर देखते हैं, नहीं तो बात हवा हवाई हो जाएगी। सबसे पहले हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंजर है, निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा स्थान पहला है, हम चांद के उस अनछुए हिस्से को छूने वाले पहले देश बन चुके हैं, निर्यात के क्षेत्र में हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं, अब सैन्य उपकरण हम अपने यहाँ बनाने लगे हैं, राम मंदिर बनने के बाद सांस्कृतिक रूप से हमारी समृद्धि हुई है और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, कश्मीर से 370 हटने के बाद आंतरिक सुरक्षा का जबरदस्त काम हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में हमारा कद बढ़ा है। इस समय हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जब हम अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साझेदार बनाते हुए कूटनीतिक रूप से चल रहे हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत हुई है जो देश के विकास में काफी ज्यादा सहायक होगा। आज अगर बात किया जाए तो ये कुछ तथ्य और ये संयोग है जो भारत को 2047 तक विकसित बनाने में योगदान दे सकता है। जब हम विकसित भारत की जिक्र करते हैं तो हमारे पास क्या ऐसा तर्क हो, क्या तथ्य हो जो 47 तक हम वास्तव में भारत को विकसित कर पाएंगे। मेरे पास चार ऐसे मेगा तथ्य हैं जो कई डिवीजन में बटे हुए हैं। सबसे पहली बात, अगर विकसित देशों को देखें तो आज वो पूरी तरह से विकास तो कर लिया है लेकिन सुगम नहीं है। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या रूस विकास के बावजूद क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर जलवायु परिवर्तन तक बैठ गए करने में व्यस्त है। आज दिल्ली में मेट्रो के विकास के दौरान हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, परिणाम यह है कि सांस लेना मुश्किल है। क्या ऐसा विकास जरूरी है या यह हमें विनाश की ओर ले जाएगा? आप युवा हैं, हम युवा हैं, सोचना आपको है। इससे यह सीख मिलती है कि पर्यावरण अनुकूल विकास करना होगा, जिसे पर्यावरण की किताबों को उल्टा कर देखा जाए तो सतत विकास कहा जाता है। हम क्या कर सकते हैं? समस्याओं का तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिक्र किया, मंच तो समाधान करने का है। हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर एक एक पेड़ भी लगा देते हैं 47 के विकसित भारत में हमारा योगदान सुनिश्चित होगा। दूसरा तथ्य है तकनीकी विकास, उसके बिना कुछ संभव है नहीं। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां से कि कृषि, विज्ञान, साहित्य एक साथ विविध क्षेत्रों को हम पूरी तरह से साध सकते हैं। वो वही तकनीकी विकास है जिसने कि कोरोना काल में जरूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर वसुधैव कुटुंब की जो भावना है उसको किताबी भाषा में नहीं व्यवहारिक रूप से चरितार्थ कर दिया। तकनीक का असर ऐसा है और हमारे पास तो संभावनाओं की कमी नहीं है। जहां 15 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 25 करोड़ है और वैसे भी महोदय हम तो चांद के उस हिस्से पर सबसे कम पैसे में पहुंचने वाले देश है। हम वो युवा राष्ट्र है जो कि चांद पर सबसे कम पैसे में पहुंच जाता है। मंगल की स्थिति भी यही है। आज 15 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 25 करोड़ है। यह हमारे संसाधनों में बोझ न बनकर माननीय पूंजी के रूप में इस देश का नहीं दुनिया का तकदीर बदल सकते हैं, जिसे हमारे माननीय
शब्दों में आपदा में अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से पूरा देश बदल रहा है, हमको और आपको बदलने की जरूरत है। आज पुराने तरीके से किसी समस्या का सुलझाना या उसको प्रासंगिक बनाना संभव नहीं है, तरीका नया होना चाहिए। रोजगार पर आज बात होती है, तमाम तरह की विषमताओं पर बात होती है, लेकिन इसको सुधारना हमारा आपका काम है। ये देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नौकरशाहों का नहीं है, आपका है, हमारा है। समस्याओं का जिक्र करते हैं, समाधान भी हमारे पास होना चाहिए। स्टार्टअप और इनोवेशन के दौर में आज समय आ चुका है कि 1% से भी जो नौकरी कम हो गई है, एक तरीका अपना कर हम देश का भला कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये सोच बदलने से ही होगा। अरे आप तो ऐसे युवा हैं, पटना और दिल्ली के कई इलाके आपके काम चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो आप चला रहे हैं, कई युवा लाइन शिक्षक करोड़पति बन चुके हैं, क्या आप रोजगार नहीं दे सकते हैं? सशक्त युवा क्या देश की तकदीर नहीं बदल सकता है? वैवाहिक तौर पर अगर देखें तो ऐसा संभव कयासों में नहीं, अनुमानों में नहीं, व्यवहार में लगेगा। आगे बढ़ते हुए ये कब होगा? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही तो सरकारी नौकरी और तमाम तरह की इस महत्वाकांक्षी का शिकार है, तो सोच बदलना होगा। गांव समाज में आपने वो कहावत भी सुना होगा, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वाजपेयी जी के इस कविता के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करना चाहूंगा। 2047 तक जब भारत विकसित बन चुका होगा, बाधाएं आती है, आए गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय